कश्मीर और कश्मीरी पंडित के जीवन पर आधारित पुस्तक कश्मीर और कश्मीरी पंडित पुस्तक के विमोचन समारोह का आयोजन रविवार गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में किया गया। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. चितरंजन मिश्र, चिकित्सक डॉ. अजीज अहमद, कवि देवेंद्र आर्य, पुस्तक के लेखक अशोक कुमार पांडे, प्रोफेसर गौर हरि बेहरा सहित अन्य गणमान और लोग मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजकों द्वारा पुस्तक के लेखक अशोक कुमार पांडे को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में कश्मीर और कश्मीरियों के हालात पर लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो कश्मीर को लेकर तरह तरह के अपवाद फैले हुए हैं, उन सारी कहानियों को इसमें दर्शाया गया है। इस पुस्तक से पढ़ने से तमाम तरह की जानकारी हासिल होगी और जो भ्रांतियां लोगों के अंदर फैली हुई हैं वो दूर होंगी। पुस्तक के संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए लेखक अशोक कुमार पांडे ने बताया। कार्यक्रम है कश्मीर और कश्मीरी पंडित, इस पुस्तक का लोकार्पण होगा। कश्मीर जैसे विषय पे, कश्मीर की शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी पैदाइश क्या है, उसका इतिहास क्या है, कश्मीर के साथ क्या क्या गद्दारियां हुई हैं, कश्मीर का क्या क्या शोषण हुआ है, इन सारे चीज़ों को बहसियत एक कवि ही नहीं, बहसियत एक इतिहासकार की दृष्टि से देखने का काम और सारे उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे उपलब्ध जो किताबें हैं, उन सब को पढ़ के और उनके आधार पर एक विश्लेषण करने का काम कश्मीर नामा में किया गया था। वो पुस्तक आप जानते हैं कि पिछले दो साल से लगातार बेस्ट सेलर घोषित होती रही, लेकिन माफी चाहूंगा, वो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक होने के बाद भी वो पुस्तक कहीं अधूरी थी और इस अधूरेपन को शायद अशोक ने भी समझा, उनके ऊपर ट्रोलिंग सी हुई, उनसे सवाल जवाब हुए और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया कि कश्मीर का जो बात का इतिहास है, 90 के बाद का इतिहास है और जिसके साथ कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का इतिहास जुड़ा हुआ है, जो दर्द जुड़ा हुआ है विस्थापन का, उसको भी देखा जाए और कश्मीर के पूरे परिवेश में, पूरे परिप्रेक्ष्य में वो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कहाँ खड़ा होता है, इसे भी देखा पड़ता जाए इतिहास के नजरिए से, किताबों के नजरिए से। और हिंदी में अपने तरह की एक अकेली पुस्तक है जिसको पढ़ते हुए आपको लगेगा नहीं कि कश्मीरी पंडितों के की बात को लेके कहीं किसी कोण से ही विमर्श किया गया। जितने सारे तथ्य हो सकते थे, यानी कश्मीर जाके कश्मीरी पंडितों के दो पहलू, एक तो वो जो कश्मीर से विस्थापित हो, दूसरे वो जो कश्मीर से स्थापित नहीं हुए हैं, अभी भी कश्मीर में हैं। अशोक ने दोनों मुद्दों पर वहाँ जाके लोगों से बात की और उसके आधार पर जो उपलब्ध किताबें थी, जो जर्नल थे, उनके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। पुस्तक का जैसे नाम ही है कश्मीर और कश्मीरी पंडित, तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा जब कश्मीर पे बात होती है तो कश्मीरी पंडितों की बात होती है। 90 के दशक में जो उनका विस्थापन हुआ था बड़े पैमाने पर, उसको लेकर बात होती है। तो इस किताब में मेरी कोशिश है कश्मीर के पूरे इतिहास में कश्मीरी पंडितों को लोकेट करने की, मतलब पूरे ऐतिहासिक प्रक्रिया में कश्मीरी पंडित कहाँ सेट होते हैं और उन कारणों की तलाश की, पहली जिस जो 90 के विस्थापन जिसकी वजह से हुआ और उसके बाद 90 के विस्थापन के बाद जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह गए, मतलब जो विस्थापित नहीं हुए, ऐसे लगभग 800 परिवार हैं,
उनकी क्या स्थिति है, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, उनका वर्तमान क्या है, वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें। इसके लिए मैंने कई सारे परिवारों का इंटरव्यू किया जो वहाँ पर थे और वहाँ कई बार मैं गया। तो एक तरफ ये शोध रिसर्च है और दूसरी तरफ जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे सीधी बातचीत करके लिखा गया है। 370 हटने के बाद बिल्कुल 370 हटने के बाद मैं गया था वहाँ पर अक्टूबर के महीने में, वहाँ मैं एक हफ्ते के लिए गया था और लगभग जितने महत्वपूर्ण कश्मीरी पंडित परिवार हैं उनसे मेरी दोबारा से बातचीत हुई और वो सारा कुछ मैंने इसमें दर्ज किया हुआ है। हाँ, मतलब बिल्कुल वही लिखा है मैंने क्या उनको नज़र आया है। और मतलब बाकी किताब में तो बहुत डिटेल है, यहाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि 370 के हटने का कश्मीरी पंडितों के वापसी पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा है।